खबर इंडिया 7। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का अभी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज बहादुर यादव पीएम मोदी की जान की 50 करोड़ की फिरौती की बात कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो नया नहीं है और न ही हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस वीडियो में कही जाने वाली सारी बातें सच है या फिर नहीं, लेकिन वायरल हो रही वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है कि तेज बहादुर यादव पीएम मोदी की जान लेने की बात कर रहे हैं। आप देखिए एक बार इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। ऐसे बैठ के दारू पिया हुआ हूं। आप भाई किसके साथ? इजबल मुजाहिदीन के साथ। और वो झूठ बोल रहा है। मैं नहीं मान सकता। सुन लो, एक मिनट सुन लो। पॉलिसी क्या होती है कि वहाँ है 3 मिनट, इजबल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा और ये सारा इसका जैश-ए-मोहम्मद। इतनी नॉलेज एक सिपाही को नहीं हो सकती। चौबीस घंटे में आप मोदी को मरवा दोगे? 50 करोड़ हिंदुस्तान में तो कोई देगा नहीं, पाकिस्तान नहीं देगा। वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि तेज बहादुर तथा कथित तेज बहादुर यादव यहां पर पीएम मोदी को रास्ते से हटाने की बात कर रहा है। हालांकि इस पूरे वीडियो पर तेज बहादुर यादव का साफ तौर पर कहना है कि यह वीडियो उनका नहीं है। पीएम मोदी और विपक्षी लोग उनके लिए ऐसी साजिशें रच रहे हैं और चुनाव के वक्त ऐसी एडिटेड वीडियोस सामने लाई जा रही हैं। संबित पात्रा ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरे विपक्ष को जमकर लताड़ा। एक बार सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा। एक शब्द आपने सुना, मरवा देंगे, 50 करोड़ मोदी को मरवाना है। मैं ट्रांसक्रिप्ट लेके बैठा हूं, तेज बहादुर उस आदमी का नाम है। सामने वाला व्यक्ति कहता है इतनी तेज बहादुर 24 घंटे में मोदी को मरवा दूंगा, 50 करोड़ रुपए दिलवा दो। सामने वाला व्यक्ति, 24 घंटे में मोदी को मरवा दोगे तेज बहादुर? 50 करोड़ रुपए दिलवा दो। सामने वाला व्यक्ति, 50 करोड़ रुपए कोई हिंदुस्तानी तो नहीं देगा, पाकिस्तान में ही देगा। आप सोचिए, अगर यही शब्द किसी और के लिए प्रयोग किया गया होता तो आज भूकंप आ गई होती। मुझे कहते हुए दुख लग रहा है कि यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि कल से ये वीडियो हम देख रहे हैं मगर अभी तक हिंदुस्तान के मीडिया में और विपक्ष में ये भूचाल नहीं आया है। बंधुओं, केजरीवाल जी के प्रायोजित थप्पड़ों की गूंज महीनों तक सुनाई देती मगर यहां देश के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को मरवाने की साजिश, उस पर बात नहीं होती, उस पर चुप्पी होती है विपक्ष। क्यों आखिर ये विपक्ष चुप क्यों है? क्या विपक्ष तेज बहादुर के इन बातों से सहमत है? क्या विपक्ष मोदी जी के इस हश्र से सहमति रखता है? कल मैं टीवी देख रहा था और टीवी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तेज बहादुर की। तेज बहादुर ऐसा, तेज बहादुर वैसा, इतना अच्छा आदमी है, उसके साथ अन्याय हुआ है। मैं आज अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, ये वीडियो देखने के पश्चात क्या आप देश से माफी मांगेंगे? मैं समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के गठजोड़ से, ये जो गठजोड़ बनाया हुआ है इन्होंने, जो मिलावटी गठजोड़ है, उनसे पूछना चाहता कि ये कोएलिशन देश से माफी मांगेगी? आप अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट करते हैं, 5 दिन तक डिबेट करते हैं, यहां 50 करोड़ रुपए लेके देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री की एसेसिनेशन की बात हो रही है, और तो और जिस व्यक्ति की वीडियो आपने देखा है, कल जब उस व्यक्ति से इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उसने स्वीकृति दी है कि हाँ ये वीडियो मेरा है। उसने कहा है शायद कि 1-8 साल पुरानी है। पुरानी वीडियो उससे फर्क नहीं पड़ता है, साजिश थी, प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश थी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये वीडियो पुरानी थी, उसको कैंडिडेट बनाने की कोशिश, उसको कैंडिडेट बना के मोदी जी के सामने उतारने की साजिश, ये किसकी थी? मैं इतना पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी इसमें चुप रहे थे?
क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस पे चुप्पी रखेंगे या माफी मांगेंगे जो बुरी बुरी तारीफ वो कर रहे हैं? क्या मायावती जी इस पर चुप रहेगी या क्षमा याचना करेगी? मुझे लगता है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। जाहिर है तेज बहादुर यादव की इस वीडियो को देखने के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और पीएम मोदी की सुरक्षा कर रही हैं। एसपीजी भी इस वीडियो की सत्यता जानने की कोशिश जरूर करेगी। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए खबर इंडिया 7।